मुझे बोलने का मौका नहीं, तुम खुद ही बोलोगे यू लव मी, प्लीज यू लव मी। तो तुम मुझे तकलीफ नहीं देना चाहती, तो इतना ध्यान रख रही हूँ मेरा। मेरा गर्दन दुख जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, बार बार वहाँ पे हो रहा है। मेरा मुंह दुख जाएगा स्माइल करते करते। अच्छा है ना, तुम्हारी स्माइल का रीजन मैं बन रहा हूँ। एक बार मेरे को पिंच करो ताकि मेरे फ्रेंड्स को बता सकूं कि एंजल ने मुझे पिंच किया। कौन सी एंजल? एंजल प्रिया? वैसे एंजल प्रिया से मैं चैट करता था, फेक आईडी था उसका। मैंने सोचा था बनाने का। डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे गाल सेट करने पड़ेंगे ना, ऊपर जाते रहेंगे बार बार। यू नो इफ आई गेट अ चांस टू रीअरेंज द अल्फाबेट्स आई विल पुट यू एंड आई टुगेदर। यहाँ तो मैं पिघल गई। तो ये वाला मैंने कभी नहीं सुना। तो कभी चलना है डेट पे? आसमान से क्या पूछ रहे हो? आसमान तो तुम्हारी सुनता है, तुम चांद हो। कल आज अभी नहीं। कहाँ चलेंगे हम उस हिसाब से? सरप्राइज रखूंगा ना मैं, अभी बता दूंगा तो फिर तुम्हें भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा, फिर मजा क्या डेट पे जाने का। ये भी है, मैं तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता हूँ। कोई भी चीज तुम्हें देने से पहले मैं सरप्राइज रखूंगा, और जब तुम जो स्माइलिंग वाला रिएक्शन देगे वो मेरे आंखों से कैप्चर करूंगा। को पक्का डन। और ऐसी जगह लेके जाऊंगा तुम्हें जहाँ पे मतलब खुला आसमान हो, और मैं चांद को भी दिखा सकता हूँ कि मैं तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत लेके बैठा हूँ। सिक्सटीन को पक्का है, टांग मत देना ठीक है? वो तो फिर देखते हैं। वो तो फिर नहीं, वो फिर मैं चांद को अपॉइंटमेंट ले लूंगा ना कि मैं आ रहा हूँ। वैसे अरे मैं लाइंस भूल जा रहा हूँ यार, तो इतने खूबसूरत हो। मैं सोच रहा हूँ ये लाइन अभी बोलूंगा तो शायद तुम्हारी स्माइल आ जाएगी, बट मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है। वाह वाह, देखो वाह, नहीं वाह, नहीं मैं बस चेक कर रहा था तुम रिलेशनशिप में आने के बाद मेरा बात सुनोगे कि नहीं। पहले ही सुन रही हो तो बाद में भी सुनोगी ना। The best part. Yeah, I know. तुम्हें मेरा नाम पता है? हाँ। क्या है मेरा नाम? मेरा नाम बेबी है। But मैं बेबी नहीं बुलाऊंगी। क्या बुलाऊंगी? जानू? नहीं। जाने मन? नहीं। हस्बैंड? नहीं। मैं बुलाऊंगी आमलेट वाला। Better option. You like आमलेट? No, but मैं तो तुम्हें हैप्पीनेस बुलाऊंगा क्योंकि मेरी सारी खुशी तुम हो ना। अब बोलो, ये भी किसी ने नहीं बोला।
तो इसलिए तो उनमें और मुझ में फर्क है, और इसलिए तो तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी 16 को। मैं ऐसे चलूंगा, है कोई लड़की जो मेरी बंदी को टक्कर दे सके? वैसे मैं तुम्हारे पुलिस कंप्लेन भी करूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने मेरा दिल चुराया ना। ये भी किसी ने नहीं बोला अभी तक मुझे। मुझे कभी किसी ने कुछ बोला ही नहीं। क्योंकि उनको पता है ना कि मैं तुम्हारे लिए बनाऊं, तो वो लोग चांस मारना ही नहीं चाहते थे।